इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शानी सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। सिक्योरिटी रिच दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटी एंड इट इनटू द ऑलरेडी कंस्ट्रेंड रिसोर्सेस ऑफ डेवलपिंग कंट्री। सो ये खतरा पैदा करता है जो विदेशी घसपतियां हमारे बीच रहकर हमारे अधिकार को उसी ना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इस चुनौती का सही जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि एनआरसी हर स्टेट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा हम अपना देशवासियों को सुरक्षा दे सकते हैं, इज्जत से जीने का मौका दे सकते हैं। और विदेशी को अगर आपने परिचय नहीं किया तो विदेशी हमारा बीच रहते ही हमारे लिए हमेशा खतरा पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे मौजूदा जी ने अपने भाषण में बोला था, उसी हिसाब से मैं भी चाहता हूं कि हर स्टेट इस विषय को गंभीर से ले, क्योंकि हम असम में एनआरसी का काम अगर कंप्लीट भी किया, कल अगर असम से अलग स्टेट में आ गए तो उस स्टेट का क्या हालत होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश का सुरक्षा के मामले में हमारे ऑन द डिस्टिंग बॉर्डर लाइन दोनों जिले असारो जिले में अभी ये बॉर्डर सील होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए उल्लेखनीय एक सफलता का नमूना है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश कंसिस्ट ऑफ बोथ लैंड एंड रिवेन्यू एरिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन अप फेंसिंग इन दिस एरियाज इन असम। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड माई स्पीच। द अनएबिटेड इंफ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश कैनॉट बी सीन एज ए स्टैंड अलोन प्रॉब्लम ऑफ असम। असम अकाउंट्स फॉर जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट इन द कंट्री। Census report also revealed that population increased during last few decades in many states, including West Bengal, Jharkhand, Bihar, Meghalaya, etc., are far beyond the national average. So this highlights the intensity of influx of illegal immigrants in India. Even the national capital बावजूद कुछ नहीं कर पाया, वादा बहुत किया लेकिन उस वादा को उन्होंने निभाया नहीं। But our Prime Minister, he promised। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।